9 दिनों से जारी मालवा कला मंडल के गरबों का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। विगत 35 वर्षों से नवरात्रि पर विभिन्न पांडालों में मंडल के बालक बालिकों द्वारा किया जा रहा है गरबा। शाजापुर मालवा कला मंडल शाजापुर के तत्वावधान में शारदीय नवरात्रि पर्व के 9 दिनों तक विभिन्न पांडालों में जाकर मंडल के बालक बालिकाओं द्वारा गरबा नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई। सोमवार को स्थानीय दुपाड़ा मार्ग स्थित चामुंडा माता मंदिर परिसर में मालवा कला मंडल द्वारा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अतिथियों द्वारा मंडल के बालक बालिकाओं को पुरस्कार वितरण किया। मंडल के संस्थापक शिवाजी सोनी ने बताया कि मंडल के कलाकारों द्वारा प्रतिवर्ष नवरात्रि के दिनों विभिन्न पांडालों में जाकर गरबा नृत्य किया जाता है। विगत 35 वर्षों से यह क्रम जारी है। शुक्रवार को नगर के दुपाड़ा मार्ग स्थित चामुंडा माता मंदिर परिसर में गरबा नृत्य करने वाले मंडल के बालक बालिकाओं को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित कर पुरस्कृत किया गया। अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। श्री सोनी ने बताया कि इसके पूर्व मां चामुंडा माता की महाआरती आयोजित की गई तथा कार्यक्रम के पश्चात सहभोज का आयोजन किया गया। श्री सोनी ने बताया कि मालवा कला मंडला द्वारा नवरात्रि के प्रथम दिन नगर में चुनरी यात्रा निकाली गई थी। इसके पश्चात नवरात्रि के 9 दिनों तक बालक बालिकाओं द्वारा विभिन्न पांडालों में जाकर गरबों की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मंडल के संरक्षक योगेश पांचाल, सरलेश चतुर्वेदी, अध्यक्ष मनीष मालवीय, संयोजक आयुष यादव, श्रीमती शीला तोमर, स्वाति ठाकुर, जया जाटव, नेहा विश्वकर्मा, रूपेश प्रजापति, जयेश व्यास, हर्ष व्यास, गजेंद्र परमार, गौतम यादव, अभिजीत मालवीय, अमन यादव, राकेश राव, सुनील चौहान, पंकज चौहान, खुशबू आडवाणी सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। शाजापुर से SB न्यूज जिला ब्यूरो चीफ ईश्वर सिंह भिलाला की खास रिपोर्ट।